बंदे पुरुषोत्तम आलोचना प्रसंग भाग 3 से 29 मार्च सन 1942 की श्री श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। श्री श्री ठाकुर ने बंकिम दास से पूछा, ऑफिस का रिकॉर्ड देखकर जिन नामों को तुम्हें चुनने के लिए कहा था उसे तुमने ठीक करके रखा है ना? बंकिम दास बोले, मैंने उमा दास से कहा। श्री श्री ठाकुर जी बोले, कह कर ही चुपचाप बैठे ना रहो, काम हुआ या नहीं उसकी बराबर खोज खबर लेते रहो, यदि वे नहीं कर सकें तो तुम स्वयं करोगे। बंकिम दा बोले, अच्छा। शशि ठाकुर जी बोले, अच्छा कहकर बैठे रहने के बजाय जाकर देख आओ कि हुआ या नहीं, कार्य पूरा करके लौट आओ, जिस काम का दायित्व अपने ऊपर लोगे उसे यथाशीघ्र कर डालोगे। बंकिम दा के बाहर जाने पर शशि ठाकुर ने कहा, ऑफिस कार्य का दायित्व लेने के बाद उसने ऑफिस को ही अपना घर बना लिया है, सब समय उसके पीछे है, सब कार्य में उसकी दृष्टि रहती है। शरद दा बोले, हाँ बंकिम दा खूब इंटरेस्ट अनुराग के साथ काम करते हैं। वार्तालाप हो रहा था कि इसी बीच केष्टोदा आ पहुंचे। केष्टोदा जब प्रणाम करके बैठे तो श्री श्री ठाकुर ने पूछा, आप जिन लोगों के साथ बातचीत कर रहे थे उन लोगों का रुख कैसा था? जमीन खरीदने और लोगों को बसाकर खेती करवाने की जो बातें तय की थीं, उसमें कहाँ तक सफलता मिली है? केष्टोदा बोले, आशा है कि 200 व्यक्ति ऐसे मिलेंगे जो व्यक्तिगत रूप से 300 रुपए दे पाएंगे। कुछ लोगों को मैंने एक प्रोस्पेक्टिव लिस्ट संभाव्य तालिका बनाने कहा है, एक एक व्यक्ति एक एक जिला का लिस्ट तालिका बना रहा है, चुने हुए व्यक्ति जिससे आ सकें उसके लिए हम लोग मिलजुल कर चिट्ठी लिख रहे हैं, दूसरे के द्वारा भी लिखवा रहे हैं। श्री श्री ठाकुर जी बोले, हाँ गैदरिंग जमात जिससे खूब बड़ी हो, लोग जिससे खूब अधिक आए उसकी व्यवस्था करें, आप जिससे उम्मीद करते हैं उनमें अनेकों नहीं भी दे सकते हैं और जिस व्यक्ति को बिल्कुल दिवालिया समझते हैं उनमें अनेकों दे भी सकते हैं, रुपए रहने पर भी मनुष्य परम पिता के काम में लगा सकता है, ऐसी बात नहीं है, उसके लिए भी मनुष्य का अलग भाग्य चाहिए, अलग मन चाहिए। जमीन खरीदने, गृह निर्माण, पुस्तक आदि के प्रकाशन के लिए 6 वर्षों में देने हेतु 130 रुपए देने हेतु 5,000 स्वाक्षरकारी संग्रह की बात भी स्मरण रखेंगे, किस उद्देश्य से क्या करने जा रहे हैं इस बात को अच्छी तरह समझा देंगे। मुख्यतः रुपए के विषय में केवल बातें करने से मनुष्य घबरा जाता है, थोड़ा देकर ही जिससे सभी बच सकें इसीलिए ऐसी व्यवस्था है। सभी से कहेंगे जिनके पास जितने भी सोना चांदी हैं उसके बदले वे जमीन खरीद लें, जमीन खरीदने और कृषि करने पर अधिक जोर देंगे, 1 या 1.5 वर्ष की खाद्य सामग्री खरीद कर जमा कर लें, उसमें अभी हाथ न लगाएं, कैसी परिस्थिति आएगी यह कहना मुश्किल है। वर्मा के लोगों को भी मैंने बहुत पहले यहाँ आने कहा था, ब्रजेंद्र चट्टोपाध्याय एवं उनके साथ जो भी व्यक्ति समय पर चले आए वे कितना बच गए यह आपने देख ही लिया। केष्टोदा बोले, मनुष्य उतने रुपए कहाँ पाएंगे जिससे 1 या 1.5 वर्ष का खाद्य सामग्री जमा कर रख सकेंगे। श्री श्री ठाकुर जी बोले, तकलीफ उठाकर भी यदि इस काम को कर लें तो उसके फलस्वरूप वे बच जाएंगे। सारे बंगाल एवं विभिन्न जिलों के अलग अलग रोड मैप रास्ता का मानचित्र संग्रह कर लें, विभिन्न जगहों से आश्रम में आने का शॉर्टेस्ट एंड सेफेस्ट सबसे निकट और निरापद रूट रास्ता ठीक कर लें जिससे विपत्ति काल में मनुष्य पैदल भी यहाँ पहुँच पाए, रास्ते के विभिन्न स्थानों पर जिससे मनुष्य सामयिक आश्रय पा सके उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। युद्ध के फलस्वरूप विपत्ति और विश्रृंखला काल में सभी जो यहाँ आ पाएंगे ऐसी बात नहीं, इसलिए हर जिले में कतिपय सेफ्टी सेंटर सुरक्षा केंद्र की व्यवस्था करने कहेंगे जिससे नारी वृद्ध शिशु किसी को थोड़ा भी आघात न पहुँचे। सिविल डिफेंस नागरिकों की रक्षा व्यवस्था के लिए एक बड़ा स्वेच्छा सेवक संघ तैयार करना चाहिए, उनकी हरी कमीज हरा पैंट पगड़ी इत्यादि रहेगी, उन लोगों का एक परिचय चिन्ह भी रखना चाहिए, इन सब विषय में खूब सुगठित करना चाहिए।
निस्वार्थी कतिपय लोग ऐसे नहीं हों तो मानव समाज को बचाया नहीं जा सकता है। केष्टोदा बोले, ये लोग क्या करेंगे? श्री ठाकुर जी बोले, जन सेवा और जन सुरक्षा विधान ही उन लोगों का प्रधान काम होगा। आप लोग जिस कृषि के विषय में सजग करना चाहते हैं, ये लोग ही मनुष्य को वास्तविक रूप से उन्नतर कृषि प्रणाली दिखाकर सबको उस विषय में सहायता कर सकते हैं। किंतु इन लोगों को भी निश्चित रूप से ट्रेनिंग प्रशिक्षण देना होगा, कृषि शिल्प स्वास्थ्य की उन्नति के विषय में तथा लोगों की आपत्ति विपत्ति में रक्षा करने के संबंध में इन्हें ट्रेन्ड अप शिक्षित करना होगा। ये लोग सामूहिक रूप से शारीरिक श्रम द्वारा अनेक काम कर सकते हैं। जैसे किसी जगह नहर खोदना जरूरी है, 10-20 हजार लोग एक साथ उस काम में लग जाएं तो एक नहर खोदने में कितने दिन लगेंगे? यदि किसी जगह पर 25 मील का एक रास्ता बनाने की जरूरत हो और इतने लोग आपके हाथ में रहें तो आपको किस बात की चिंता है? गवर्नमेंट सरकार करे या नहीं, इन लोगों के द्वारा आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। केष्टोदा बोले, इन कामों को कौन करेंगे? रुपए संग्रह करना बल्कि बहुत सहज है, पर मनुष्य को जुटाना बड़ा कठिन है। श्री ठाकुर जी बोले, मूल कार्य आप लोगों का ही है। सर्वप्रथम कार्य है अंधाधुंध दीक्षा देना। दीक्षा पाकर मनुष्य जिससे निष्क्रिय न हो पड़े, उसके लिए आपको पीछे लगा रहना पड़ेगा। उन लोगों के साथ उठना बैठना, उनके सुख दुख में हाथ बटाना, यजन याजन इष्टवृत्ति सदाचार इत्यादि पालन करने में पक्का बनाना होगा। एक के जरिए दूसरे की सेवा सहायता करनी होगी, यहाँ लाना चाहिए, पुस्तक पत्रों आदि को पढ़ाना चाहिए, एक साथ काम काज आमोद प्रमोद करना चाहिए। इस प्रकार ऐसे कितने मौके हैं, क्या उन लोगों की एक लिस्ट बनाई जा सकती है? धंधे वाले लोग के मस्तिष्क में नित्य नई बातें आती रहती हैं। क्या आप यह देखते नहीं कि माँ अपने बच्चों को मनुष्य बनाने के लिए क्या नहीं करती है? कितनी भाव भंगिमा से वह अपने बच्चे को दुलारती पुचकारती है, कितनी तरह की बोली कितने ढंग से बोलती है। सोना मणि धन माड़ी चांद बाछा बाबा बाप धन बाबुन बबाई बाबुल इत्यादि कितनी तरह से संबोधन करती है। बच्चों को गोद में लेकर गीत भी गाती है, कितनी तरह से बच्चों को सजाती है और किस तरह से खिलाती पिलाती है। बच्चे के मंगल के लिए पेड़ पौधे लता द्रुम आदि के गुण अवगुण के विषय में भी जानकारी प्राप्त किए रहती है। माँ बनने के पहले क्या कभी यह सोचती भी है कि किसी के लिए वह उतना कर पाएगी? उसकी वह स्नेह ममता ही उसके जरिए करवा डालती है और उससे संभव होता है, क्योंकि स्वामी के प्रति टान रहती है। ऋत्विक अधर्यु जाजक लोग भी उसी प्रकार प्रेष्ट के प्रति वैसी टान रखकर इष्ट प्रीति के लिए दीक्षितों के लिए करेंगे। एक जगह पर कुछ लोग दीक्षित हो जाएं और उनमें कुछ उपयुक्त लोगों को चुनकर कर्मी बनाने के लिए मेहनत करनी चाहिए। यदि वे लोग यहाँ आकर कुछ दिनों तक आप लोगों के निकट रहें तो और भी अच्छा होगा। केष्टोदा बोले, बहुतों को देखते हैं कि वे कोई पंजा पाने के पहले तक बहुत एक्टिव सक्रिय रहते हैं, पंजा पाने के बाद उसमें वैसा उत्साह नहीं देखा जाता है। एक एक व्यक्ति की एक एक अवस्था में परिवर्तन होते देखा जाता है। किसी को जाजक का पंजा मिलता है तो उसका जाजन बंद हो जाता है, किसी को अधर्यु का पंजा मिलता है तो उसका उत्साह कम जाता है, और किसी को सह प्रतिऋत्विक या प्रतिऋत्विक का पंजा मिलने पर वैसी अवस्था हो जाती है। उनके ढंग देखने से पता चलता है कि उनका उद्देश्य सिद्ध हो गया और कुछ करना नहीं है। अनेकों ऐसे हैं कि पंजा मिले या न मिले उसकी उन्हें परवाह नहीं, वे अपने याचन में उन्मत्त रहते हैं। दीक्षा के बाद से वे समान उत्साह से कार्य करते रहते हैं। श्री ठाकुर जी बोले, आपने अंत में जो कहा है, ऐसे ढंग के व्यक्ति ही पंजा पाने के योग्य हैं। पंजा देने के पहले मनुष्य का इंस्टिंक्ट सहजात संस्कार देखना चाहिए। इष्ट कर्म के प्रति जिनके अंदर में नशा नहीं है, जो और किसी मतलब से इष्ट कर्म में उतरते हैं, उनके लिए टिकना मुश्किल है। दुख कष्ट निपीड़न निर्यातन के बीच रहकर भी जो मुझे छोड़कर नहीं जाते हैं, वे ही सच्चे लोग हैं। इसलिए देखें ना, जो व्यक्ति मुझे छोड़कर नहीं जाते हैं वे बल्कि अपारग हैं, उनसे काम नहीं होगा, मेरे प्रति उनके दिल में नशा होना चाहिए। इसलिए देखते नहीं हो, जो प्रकृत भक्त होते हैं वे त्रिलोक की राज्य विनिमय भी इष्ट से जरा भी अलग नहीं हो सकते।
इष्ट के सिवा सारी चीजें उनके लिए निरर्थक हैं। यदि कोई मोक्ष या मुक्ति कामना है तो इष्ट से प्रेम करते हैं, वे भी बहुत निरस होते हैं। इसलिए चैतन्य चरितामृत में है, मुक्तिवांछम कैतो प्रधान, गीता में भी है, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माँ प्रपद्यते, वसुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। सीधी बात है कि उस मनुष्य को अर्थात वसुदेव के पुत्र वासुदेव को सिर्फ उनके लिए ही प्रेम करना होगा। वे ही मुख्य हैं, वे ही चरम हैं, वे ही हैं परम। आदि में भी वे हैं, मध्य में भी वे हैं और अंत में भी वे हैं। चाहे जितनी ही बातें करें, मूल यही है। आलोचना प्रसंग भाग 3 की पेज संख्या 182 से 186 तक। जय गुरु।